फ्रेंड्स माय टॉपिक सी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कनेक्शन आपका किस तरह के होगा उसके बारे में बताएंगे। रेजिस्टेंस कनेक्शन, देखो बच्चों आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, रेजिस्टेंस का कनेक्शन। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का कनेक्शन दो तरह से हो सकता है, एक हो सकता है सीरीज कनेक्शन और दूसरा क्या हो सकता है पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो आपका हम पहले डिस्कशन करते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपका ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, और इसका कनेक्शन कैसा है आपका सीरीज में, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों ये आपका पोटेंशियल भी है। ठीक है, यहाँ पर थ्री रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, कैसा कनेक्शन है सीरीज में कनेक्टेड है, R1 R2 और R3। यहाँ पर हम लोग कंसीडर करते हैं R। ठीक है, I1 को करंट इसमें पास कर रहा है, कैसा कनेक्शन है सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में जो आप जानते हो कि I इक्वल टू क्या होता है सेम होता है, I मतलब करंट, करंट सीरीज में क्या होता है सेम होता है। यहाँ पर क्या होगा पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो कैसे यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर एक लूप लगाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लगाएंगे केस भीयर लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे जिसने दो लॉ दिया था, एक केसीएल और दूसरा क्या होता है केवीएल। यहाँ पर जो लॉ एप्लीकेबल होगा वो क्या होता है केवीएल होगा, बट केवीएल को लगाने के पहले लूप कैसा होना चाहिए क्लोज लूप होना चाहिए। बच्चों यहाँ पर कैसा लूप है क्लोज लूप है, तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं केवीएल लगा सकते हैं, और समीशन ऑफ वोल्टेज वोल्ट क्या करेंगे जीरो करेंगे, और यहां पर कैसे केवीएल को लगाएंगे तो थोड़ा सा यहां पर गौर करेंगे कि यहां पर करंट जो जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, मतलब ये आपका लोअर पोटेंशियल है, ये आपका क्या हायर पोटेंशियल है, कहां से कहां की ओर जा रहा है लोअर से हायर की ओर जा रहा है। मतलब बच्चों यहां पर ध्यान देना कि जब आपका पोटेंशियल लोअर से हायर की ओर जा रहा है तो इसके बीच में सेल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन सेम है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो ड्रॉप होगा वो क्या लिखेंगे माइनस आई इनटू आर, मतलब रेजिस्टेंस। यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर केवीएल लगाएंगे तो वी माइनस आई इनटू आर वन माइनस आई आर टू माइनस आई आर थ्री इक्वल क्या लिख सकते हैं जीरो लिख सकते हैं। जब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्विंग करेंगे तो वी इक्वल टू आई आर वन प्लस क्या होगा बच्चों आई कर लेते हैं, यहाँ पर R2 कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर R3 कंसीडर
के सेल लगा देते हैं और यहाँ पर उसको कनेक्टेड करते हैं। ये नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, ये से आपका भी होगा। ये कनेक्शन को हम लोग कैसा कनेक्शन बोलेंगे? पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस आपस में क्या है? पैरेलली कनेक्टेड है। ध्यान से समझने का कोशिश करिए, ठीक है। अब देखो तो बच्चों यहाँ पर ये यदि पैरेलल कनेक्शन है तो भी क्या होगा? जब कोई भी कनेक्शन पैरेलल रहता है तो भी क्या होता है? सेम होता है। भी मतलब सेम, मतलब पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। यहाँ का पोटेंशियल जितना होगा वो यहाँ का उतना ही होगा, यहाँ का उतना होगा, यहाँ का भी क्या होगा? उतना ही पोटेंशियल होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि यहाँ पर जो करंट है, अब करंट जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, थ्री पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहाँ पर कितना ब्रांच है? थ्री ब्रांच है। तो आप लिख सकते हो I इक्वल टू क्या लिख सकते हो? I1 प्लस क्या लिख सकते हैं? I2 प्लस क्या लिख सकते हो? I3। I का क्या है? मेन करंट है। तो मेन करंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? V बाय क्या लिख सकते हैं? R इक्वल लिख सकते हैं। I1 का वैल्यू को कैसे निकालोगे? तो देखो तो बच्चों यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? V होगा। यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होगा? आपका भी होगा। यहाँ का भी पोटेंशियल आपका क्या होगा? भी होगा, क्योंकि आपको कनेक्शन के साथ पैरेलल कनेक्शन है। तो आप क्या लिख सकते हो? भी बाई क्या लिख सकते हो? आर वन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? भी बाई आर टू लिख सकते हो। इसको आई थ्री की जगह पर क्या लिख सकते हो? भी बाई आर टू लिख सकते हो। देखो तो बच्चों भी सभी जगह पर है, भी को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। भी बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? भी को कॉमन ले लेंगे तो वन बाई क्या लिख सकते हैं? आर वन प्लस क्या लिख सकते हैं? वन बाई आर टू प्लस क्या लिख सकते हैं? वन बाई आर थ्री लिख सकते हैं। मतलब भी और भी आपको कैंसिल हो जाएगा तो वन बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? मतलब तो वन बाई आर वन प्लस क्या होगा? वन बाई आर टू प्लस क्या होगा? वन बाई क्या होगा? आर थ्री। इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी रेजिस्टेंस यदि आपका पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसका हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मतलब बच्चों इस तरह का चीज, यदि n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में कनेक्टेड हो, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में कनेक्टेड हो, सभी का वैल्यू यदि r हो तो उसका r इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा बच्चों? तो 1 by r इक्विवेलेंट इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by क्या लिख सकते हैं? r3 लिख सकते हैं। उसके बाद ये n नंबर ऑफ है तो प्लस 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 डॉट 1 by क्या लिख सकते हैं? rn लिख सकते हैं। और बच्चों बताओ तो r1 आपको r3 और rn का वैल्यू यदि सभी इक्वल है तो यहां पर यदि पुट अप करेंगे तो 1 by r इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा? 1 by r प्लस क्या होगा? 1 by r होगा प्लस क्या होगा? 1 by r होगा। आपको कहां तक जाएगा? 1 by n नंबर ऑफ तक जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 by r इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो सकता है? n by क्या हो सकता है? r हो सकता है। इसको यदि हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो r by क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? r इक्विवेलेंट हो गया। और यदि सभी r रेजिस्टेंस का वैल्यू इक्वल रहे तो पैरेलल में यदि r इक्विवेलेंट का फार्मूला है, r इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा? r by n होगा। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा यदि कोई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो आप सभी को ऐड कर लोगे, और यदि पैरेलल में कनेक्टेड है तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करके उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपका दो तरह का कनेक्शन होता है रेजिस्टेंस का, एक होता है सीरीज और दूसरा क्या होता है? फॉर्मूला प्रॉब्लम। और यहां पर से बहुत सारा वैरायटी का प्रॉब्लम आएंगे, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग क्या करेंगे? प्रॉब्लम को सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट क्लास में इसका प्रॉब्लम का डिस्कशन होगा। आज यहां तक रहने देते हैं। थैंक यू, आप लोग सब इसको स्टडी करके आइएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।